हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर विशाल जौहरी हूं। आज हम देखने वाले हैं मसल्स ऑफ अपर लिम। तो देखो, इस टॉपिक को ज्यादा से समझाने के लिए मैं तुम्हें पूरा अपने एक मसल के चार्ट से समझाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए पूरा एक मसल का चार्ट बना है, मैं उससे तुम्हें एक एक मसल समझाने वाला हूं कि अपने फोर आर्म में कौन सी मसल होती है, अपने हैंड में कौन सी मसल है। उसके अलावा देखो, सबसे बड़ी गलती तुम क्या करते हो, तुम क्या रटने लगते हो डायरेक्ट मसल। देखो, तुम्हें यहाँ पे मसल रटाना नहीं है, सबसे पहले तुम्हें मसल्स का नाम अच्छे से समझना पड़ेगा कि फ्लेक्सर मसल अपन किसको कहते हैं, अपनी एक्सटेंसर मसल क्या होती है, अपनी कारपाई का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर तुम्हें मसल का नाम अगर अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया ना, तो तुम ऑलरेडी इनके सारे इंसर्शन एंड ओरिजिन तुम्हें ऑलरेडी अच्छे से पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें कोई भी मसल को रटाना नहीं है, तुम्हें सारी मसल के नाम को समझना है। देन दूसरी तुम गलती क्या करते हो, तुम उनको इमेजिन नहीं करते, तुम डायरेक्ट रटने लगते हो। देखो, दूसरी तुम सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि तुम मसल को यार इमेजिन नहीं करते कि किस तरीके से 3D में दिखेगी। देखो, तुम्हें करना क्या है, मसल पढ़ते हुए तुम्हें खुद को 3D में इमेजिन करना है क्या कि देखो बाइसेप मसल अपने कहाँ पे होती है, बाइसेप मसल किस तरीके की दिखती है। तो अगर तुम देखो इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो देखो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ये काम भी कर दिया है। मैंने आज की वीडियो में मैं तुम्हें सारी मसल 3D में दिखाने वाला हूँ कि अपनी मसल जो है किस तरीके से 3D में दिखती है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो आज की वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आप सारी मसल आपको ना सिर्फ याद हो जाएंगी, आप एक एक मसल आप 3D में भी इमेजिन कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन सारी मसल का अटैचमेंट जो है मेरे इस मसल के चार्ट से बताऊंगा, क्योंकि अगर अपन इसको मसल के चार्ट से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपन चीजें जो है इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे होता क्या है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आज अपन शुरू करते हैं। तो अपन को पता है अपने अपर लिम में टोटल अपने यहाँ पे होता है अपना एक आर्म वाला रीजन, देन फोर आर्म का रीजन, देन फिर अपना हैंड वाला रीजन। उसके अलावा कुछ मसल यहाँ पर जो है अपने स्कैपुला से भी अटैच होती है अपने अपर लिम में। तो फिर अपन देखेंगे कौन कौन सी मसल अपने स्कैपुला से अटैच है। देन स्कैपुला के बाद अपन देखने वाले हैं अपने पेक्टोरल रीजन की मसल, और अपने वर्टिब्रल कॉलम से कौन कौन सी मसल अपने अपर लिम में अटैच है, अपन उन सारी मसल को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं अपने आर्म में कौन कौन सी मसल यहाँ पे अटैच है। तो सबसे पहले अपन को पता है टोटल अपना जो आर्म वाला रीजन जो है उसकी दो साइड होती है, एक अपना इंटीरियर में इसका पूरा इंटीरियर साइड, और इसका पोस्टीरियर में अपना प्रेजेंट होता है इसका पोस्टीरियर साइड। तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज अच्छी तरीके से बता दूं, जितनी भी मसल अपना यहाँ पे अपर लिम में इंटीरियर साइड में प्रेजेंट है ना, याद रखना वो सारी मसल अपना फ्लेक्शन करवाती है, और जितनी भी मसल अपने पोस्टीरियर साइड में है वो सारी मसल अपना यहाँ पे अपर लिम में टेंशन का काम करवाती है। तो सबसे पहले अपन सारी मसल अटैचमेंट देखते हैं अपने आर्म में। तो टोटल आपको पता है यहाँ पे अपने इंटीरियर साइड में कुछ मसल होती है, देन फिर इसकी कुछ मसल अपनी होंगी पोस्टीरियर में। तो टोटल मैं आपको बताऊं, इसकी इंटीरियर साइड में आपको तीन मसल देखने को मिलती है। सबसे पहले अपनी बाइसेप ब्रेकाई, मैं आपको आइसोलेट करके दिखाऊं 3D में तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। पूरी मसल जो है ये एक्चुअली में अपनी होती है बाइसेप ब्रेकाई। देन बाइसेप ब्रेकाई के बाद यहाँ पे अपनी एक मसल रहती है अपनी ब्रेकियोरेडियलिस। अब मैं आपको उसको हाइड करता हूँ, नीचे वाली मसल, तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई देगी। ये वाली जो मसल है इसको अपन बोलते हैं ब्रेकियलिस मसल। तो यहाँ पे अपनी एक मसल हो गई ब्रेकियलिस मसल। देन ब्रेकियलिस मसल के बाद नेक्स्ट मसल जो है वो यहाँ पे अपनी होती है कोरिको ब्रेकियलिस। ये पूरी आपका कोरिको ब्रेकियलिस मसल दिख रही होगी। और देखो, ये जो ऐप है ये एक्चुअली अपना है एटलस 3D एनाटॉमी ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और आप फिर एक एक मसल का यहाँ पे ओरिजन और इंसर्शन भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना ओरिजन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन सब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मसल के नाम बता रहा हूँ, बाकी आप और भी डिटेल में इन सारे मसल की वीडियो भी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इंटीरियर में टोटल मैंने आपको यहाँ पे तीन मसल बता दी। देन उसके बाद अब अपन देखते हैं इसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल। तो देखो, इसके पोस्टीरियर में अपने जो आर्म वाला रीजन है इसके पोस्टीरियर में सिर्फ एक ही मसल आपको देखने को मिलती है, जिसे अपन बोलते हैं ट्राइसेप। सबसे पहले मैं डेल्टॉइड हाइड करता हूँ, तो ये आपको मसल दिख रही होगी, ये पूरी ये जो मसल है इसे अपन बोलते हैं ट्राइसेप। तो अपने आर्म में टोटल आपको दो मसल देखने को मिली, अपने इंटीरियर में तीन। तो अपने आर्म में टोटल अपन को इंटीरियर में तीन मसल मिली, पोस्टीरियर में एक मसल मिली। देन अब हम बात करते हैं अपने फोरआर्म की सारी मसल। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, अपना जो फोरआर्म जो है टोटल इसके इंटीरियर में जितनी भी मसल होती है ना, याद रखना वो फ्लेक्शन करवाती है अपना मूवमेंट, और उसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल होती है याद रखना वो एक्सटेंशन करवाती है। तो सबसे पहले अपन अपने जो फोरआर्म जो है उसके इंटीरियर साइड में देखते हैं मसल। तो टोटल अपने फोरआर्म में जो मसल है वो दो साइड्स में प्रेजेंट होती है, एक सुपरफिशियल मसल और एक डीप मसल। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो ये जो मेरा फोर आर्म है उसमें क्या होता है, दो साइड में मसल होंगी, एक मसल अपना यहाँ पे रहेंगी सुपरफिशियल में, देन उसके नीचे की तरफ कुछ मसल डीप में प्रेजेंट होंगी, उन्हें हम बोलेंगे डीप मसल। तो टोटल इसके सुपरफिशियल में सबसे पहली मसल जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रोनेटर टेरिस मसल। तो मैं अगर ये मसल आपको आइसोलेट करूं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। और देखो, यहाँ पे पूरा खेल इमेजिनेशन का ही होता है, इतना ज्यादा आप तुम एनाटॉमी को इमेजिन करोगे
उतना ज्यादा तुम्हें याद रहेगा। तो ये जो मसल है इसे अपन बोलते हैं प्रोनेटर टेरिस मसल। देन इस मसल को मैं अब करता हूँ हाइड। देन इसके बाद दूसरी मसल जो है वो अपनी है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल। फिर अपनी है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल, देन इसको भी मैं हाइड करता हूँ। देन फिर अपनी होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। देन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के बाद यहाँ पे एक और मसल होती है जिसे अपन बोलते हैं पल्मारिस लॉन्गस मसल। देन ये है अपनी पल्मारिस लॉन्गस मसल। और देखो एक दो बार में तुम्हें सारे के नाम भी अच्छे से याद हो जाएंगे, तो ज़्यादा घबराना मत इनके नाम से। देन फिर अपनी दूसरी मसल है यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। तो टोटल मैंने आपको बताया अपने फोर आर्म में इंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पे दो साइड में मसल मिलेंगे, एक सुपरफिशियल और एक डीप। और सुपरफिशियल में टोटल अपनी पांच मसल होती हैं। देन फिर अपन इसकी देखते हैं डीप वाली मसल। तो टोटल अपने फोर आर्म में डीप में तीन मसल होती हैं। सबसे पहले एक अपनी होती है फ्लेक्सर पोलोसियस लॉन्गस मसल। अब देखो फ्लेक्सर का मतलब यह है कि ये फ्लेक्शन करवा रही है, पोलोसिस का मतलब अपना होता है थंब, मतलब इस मसल का अटैचमेंट अपना थंब पे जाके होगा। देन लॉन्गस का मतलब ये मसल एक लॉन्ग है, सिमिलर इसके एक शॉर्ट मसल भी होगी, उसे हम बोलेंगे ब्रेविस, ब्रेविस मतलब शॉर्ट। तो अगर तुम इनके नाम का मीनिंग समझ पाओगे ना तुम्हें इजीली तरीके से सारी मसल भी याद हो जाएंगी। तो एक अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, देन इसको मैं हाइड करता हूँ। देन फिर अपना है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। देखो ऊपर की तरफ अपनी थी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, नीचे अपनी प्रेजेंट होती है डीप में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। मैं तुम्हें क्लियर दिखाता भी हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देन इस मसल को भी मैं हाइड करता हूँ। देन एंड में अपनी एक मसल होती है जिसे अपन बोलते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। तो सारी मैंने आपको फोरआर्म की मसल बता दी। देन अब अपन देखते हैं इसकी डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल। तो देखो फोरआर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मैं आपको पहले ही बता चुका था यहाँ पे सारी अपनी प्रेजेंट होती हैं अपनी एक्सटेंजर मसल। तो सबसे पहले इसमें एक सबसे बड़ी मसल होती है, इस मसल को अपन बोलते हैं ब्रेक्योरेडियालिस मसल। मैं आपको आइसोलेट भी करता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियरली इमेजिन हो पाएगा। देन ब्रेक्योरेडियालिस के बाद फिर बिल्कुल नेक्स्ट जो मसल है इस मसल को अपन बोलते हैं एक्सटेंजर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल। सबसे पहले ये अपना एक्सटेंजर करवाएगी। कार्पाई मतलब ये अपने कार्पल बोन से अटैच है, रेडियालिस मतलब जो अपनी रेडियस बोन होती है वो उस पर जाके अटैच है, और ये लॉन्गस मतलब लॉन्ग है। तो इधर नाम है ना उसको तुम मीनिंग अच्छे समझो। ये वाली जो मसल है तुम क्लियरली दिख पा रहे हो अपने एक्सटेंजर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस है, लॉन्गस होगी तो जाहिर सी बात एक छोटी भी होगी ब्रेविस भी होगी। तो फिर अपने यहाँ पे है एक्सटेंजर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल। जो लॉन्गस मसल है मैं इसको हाइड करता हूँ। तो उसके जस्ट बगल में साइड में आपको दूसरी मसल दिखेगी वो अपनी है एक्सटेंजर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल, मैं इसको भी हाइड करता हूँ। फिर यहाँ पे अपनी होती है एक्सटेंजर डिजिटोरम मसल। देन एक्सटेंजर डिजिटोरम के बाद यहाँ पे अपनी होती है एक्सटेंजर डिजिटी मिनिमी। आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से अपनी दिखाई देती है एक्सटेंजर डिजिटल मिनिमी। देन एक्सटेंजर डिजिटी मिनिमी को मैं हाइड करता हूँ। देन फिर आपको एक और मसल देखने को मिलेगी उसे अपन बोलते हैं एक्सटेंजर कार्पाई अल्नारिस मसल। देन यहाँ पे एंड में आपको एक मसल देखने को मिलेगी इसे अपन बोलते हैं एनकोनियस मसल। देन ये सारी जितनी भी मसल थी ना ये अपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सुपरफिशियली प्रेजेंट थी। जैसे अपने फोरआर्म के इंटीरियर में देखा था ना दो साइड में मसल होती हैं सुपरफिशियल और डीप, सिमिलरली फोरआर्म में भी ऐसी मसल प्रेजेंट है सुपरफिशियल और डीप में। देन अब अपन इसकी डीप मसल देखते हैं। तो डीप में टोटल यहाँ पे आपको पांच मसल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले एक अपनी होती है सुपिनेटर मसल, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देन सुपिनेटर मसल के बाद यहाँ पे बिल्कुल लाइन से सारी मसल प्रेजेंट होती हैं। एक अपनी यहाँ पे प्रेजेंट होती है एबीडक्टर पोलोसिस लॉन्गस मसल, लॉन्गस है तो जाहिर सी बात है इसमें ब्रेविस भी होगी, ब्रेविस आपको यहाँ पे हैंड में देखने को मिलेगी। फिर अपनी एक होती है एक्सटेंजर पोलोसिस ब्रेविस मसल, जस्ट इसके नीचे की तरफ ये जो मसल है ना इसे हम बोलते हैं एक्सटेंजर पोलोसिस ब्रेविस मसल। और उसी के साइड में एक अपनी प्रेजेंट होती है एक्सटेंजर पोलोसिस लॉन्गस मसल। देन लॉन्गस के साइड में अपनी यहाँ पे लास्ट मसल प्रेजेंट है उसे अपन बोलते हैं एक्सटेंजर इंडिसिस मसल। तो सारी मसल जो है मैंने आपको बता दी अपने आर्म और फोरआर्म में। और देखो क्लियरली अपन सारी मसल पढ़ते हुए मैं एक एक मसल आपको हाइड भी करवा रहा था तो अब सिर्फ अपने फोरआर्म में आपको सिर्फ बोन दिखाई दे रही होगी। तो टोटल मैं अब आपको इन सारी मसल का नर्व सप्लाई भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे नर्व सप्लाई में क्या होता है, जितनी भी मसल अपने आर्म के इंटीरियर साइड में प्रेजेंट थी ना वो सारी मसल तीनों की तीनों वो अपनी सप्लाई होती है मस्कुलोकुटेनियस नर्व से। मैं आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर साइड में नाम, तो अच्छे से याद कर लेना कि अपने आर्म में सारी मसल जो भी इंटीरियर कंपार्टमेंट में होती हैं वो अपनी सप्लाई होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से।
उसके अलावा तुम क्या हाइब्रिड मसल का कंसेप्ट भी समझ लो। देखो हाइब्रिड मसल उन मसल को बोलते हैं जिनमें एक से ज्यादा नर्व सप्लाई होता है। तो अपने जो अपने आर्म में जो अपनी ब्रेकियलिस मसल थी ना, याद रखना वो अपनी हाइब्रिड मसल होती है, क्योंकि वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से भी सप्लाई होती है। उसके अलावा अपनी एक रेडियल नर्व होती है, वो उससे भी सप्लाई होती है। फिर अपन ने अपने आर्म में पोस्टीरियर साइड में देखा था अपनी प्रेजेंट होती है ट्राइसेप। और याद रखना अपने पूरे अपर लिम का जो पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ना, उसको सिर्फ रेडियल नर्व ही सप्लाई करती हैं। फिर अपन आ गए थे फोर आर्म पे। तो फोर आर्म पे जितनी भी अपने इंटीरियर साइड में मसल है ना, सारी की सारी वो सारी मसल अपना सप्लाई होती हैं मीडियल नर्व से। सिर्फ एक मसल जो अपनी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जो है वो इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस अपना सप्लाई होती है अल्नर नर्व से। उसके अलावा इसकी डीप में एक अपन ने पढ़ी थी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये भी अपनी एक हाइब्रिड मसल है क्योंकि वो अपना मीडियल नर्व से भी सप्लाई होगी। उसके अलावा अपनी एक नर्व होती है, बोलते हैं अल्नर नर्व, उस नर्व से भी सप्लाई होगी। तो टोटल अपने अपर लिम में दो हाइब्रिड मसल होती हैं। हाइब्रिड मसल उन मसल को अपन बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा नर्व सप्लाई होता है। सबसे पहले अपने आप ब्रेकियलिस मसल, अपनी ब्रेकियलिस मसल अपनी एक हाइब्रिड मसल है। उसके अलावा जो अपने फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो अपनी एक हाइब्रिड मसल होती है, मैंने साइड में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म से भी लिख रखा है। उसके अलावा अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल सिर्फ अपनी रेडियल नर्व सप्लाई करती है, मैं आपको पहले ही बता चुका था। अपन देखते हैं अपनी पूरी हैंड की मसल। तो देखो जितनी भी अपनी हैंड की मसल है ना, उन सारी मसल को अपनी अल्नर नर्व सप्लाई करता है, सिर्फ दो मसल को छोड़ के। याद रखना अपनी थिनार मसल और अपनी जो फर्स्ट एंड सेकेंड लंबराइकल मसल जो होती हैं वो अपनी मीडियल नर्व से सप्लाई होती हैं। तो टोटल मैंने आपको चार नर्व के यहाँ पे नाम बताए। सबसे पहला मैंने आपको बताया जो अपने आर्म वाले रीजन में इंटीरियर कंपार्टमेंट में अपनी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। तो सबसे पहले अपन ने देखी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, फिर अपन ने देखी रेडियल नर्व जो कि अपने पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही थी। फिर अपन ने देखी फोर आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट में अपने सप्लाई करती है मीडियल नर्व। देन फोर्थ नर्व अपन ने देखी अल्नर नर्व। तो टोटल सिर्फ आपको चार नर्व के ही नाम याद करने हैं। फिर अपन देखते हैं अपने अल्नर नर्व के बारे में, और इस सारे जितने भी नर्व है ना उसके ऊपर भी मैं अलग से डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो सारी वीडियो भी तुम्हें ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, तुम मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सारी वीडियोस के लिए। देन अब अपन देखते हैं अपने हैंड की मसल। देखो हैंड में ना टोटल आपको इतनी सारी मसल देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी होती है थिनार मसल, मतलब जो अपनी थंब की जितनी भी मसल है उसे अपन बोलते हैं थिनार मसल, जिसके अंदर सबसे पहले अपनी आ जाती है एबीडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मसल को अपन बोलते हैं एबीडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। देन उसी के जस्ट नीचे की तरफ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे ओपोनस पोलिसिस। देन ओपोनस पोलिसिस के बाद आपको यहाँ पे दूसरी मसल जो देखने को मिलती है उसे अपन बोलते हैं फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। तो इन तीनों मसल को अपन बोलते हैं थिनार मसल। देन थिनार मसल के बाद यहाँ पे आपको और छोटी छोटी मसल दिखाई दे रही होंगी, मगर आपको दिखाऊं देन इस मसल को अपन बोलते हैं लंब्राइकल मसल। टोटल यहाँ पे चार लंब्राइकल मसल होती हैं। शुरू की दो लंब्राइकल मैंने आपको बताया मीडियल नर्व से सप्लाई होती हैं, बाकी रेस्ट ऑफ पूरा हैंड अपने यहाँ पे अल्नर नर्व से सप्लाई होता है। और इन मसल का ओरिजिन इंसर्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम देख लेना। देन जैसा अपने यहाँ पे थिनार मसल था थंब में, वैसे अपना साइड में अपनी एक मसल होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथिनार, जिसके अंदर सबसे पहले अपनी होती है पल्मारिस ब्रेविस। देन उसके बाद अपनी होती है एबीडक्टर डिजिटी मिनिमी। देन एबीडक्टर डिजिटी मिनिमी के बाद अपनी होती है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। देन उसके अंदर अपनी एक प्रेजेंट होती है ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। तो सारी अपनी हाइपोथिनार की मसल है। देन उसके अलावा यहाँ पे दो और साइड में आपको मसल देखने को मिलेगी, उसे अपन बोलते हैं यहाँ पे एडक्टर पोलिसिस ट्रांसवर्सालिस, और उसी के जस्ट ऊपर अपने यहाँ पे होती है एडक्टर पोलिसिस ओब्लिक मसल। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ अपनी मसल होती है जिसे अपन बोलते हैं पल्मारिस इंट्रोसियाई मसल। तो टोटल तीन होती है नंबर में, याद रखना ये फर्स्ट, देन ए सेकेंड और ये वाली अपनी थर्ड। तो टोटल यहाँ पे तीन पल्मारिस इंट्रोसियाई मसल है, जैसे इंट्रोसियाई है सिमिलरली यहाँ पे डॉर्सल में इस तरफ आपके यहाँ पे मिलती है डॉर्सल इंट्रोसियाई, जो कि चार होती है नंबर में। देन अब मैं आपको बताता हूँ अपने स्कैपुला के रीजन में कितनी मसल यहाँ पे अटैच होती हैं। तो टोटल यहाँ पे स्कैपुला के रीजन में आपको अंदर की तरफ एक मिलती है सब स्कैपुलारिस मसल। देन उसके बाद सब स्कैपुलारिस के बाद मैं उसको हाइड भी करता हूँ आपके लिए,
आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिलती है सुप्रा स्पाइनेटस, नीचे होती है इंफ्रा स्पाइनेटस, देन फिर एक अपनी होती है टेरीज माइनर मसल, और फिर एक अपनी होती है टेरीज मेजर मसल। तो स्कैपुला में आपको टोटल यहाँ पे 5 मसल देखने को मिलेगी। देन स्कैपुला के बाद अपन देखते हैं हमने पेक्टोरल रीजन में, अब अपन देखते हैं अपने पेक्टोरल रीजन में कितनी मसल है। तो देखो पेक्टोरल रीजन की जो 3 मसल जो होती हैं वो अपने अपर आर्म से अटैच होती हैं। सबसे पहले एक अपनी मसल होती है, उसमें बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल, ये आपको साइड में पिक में दिखाई दे रहा होगा। देन पेक्टोरालिस मेजर के बाद यहाँ पे अंदर की तरफ अपनी एक होती है पेक्टोरालिस माइनर मसल, देन एक मसल अपनी होती है यहाँ पे सब क्लेवियस मसल। ये तीनों मसल पेक्टोरल रीजन की अपने अपर लिम्ब पे अटैच होती हैं। देन उसके बाद अब हम देखते हैं अपनी वर्टिब्रल कॉलम की मसल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मसल अपनी वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच हैं, फिर अपने अपर लिम्ब पे भी अटैच हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 मसल हैं। सबसे पहले अपनी एक ट्रेपेजियम मसल, ये आप देख पा रहे हो इस मसल को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम मसल। देन ट्रेपेजियम मसल के बाद यहाँ पे 4 मसल होती हैं जो कि अपने स्कैपुला से अटैच हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ अपनी रहती है रोम्बोइड मेजर मसल, देन उसके ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे रोम्बोइड माइनर मसल। देन रोम्बोइड माइनर के बाद यहाँ पे एक मसल अपनी होती है, उसे हम बोलते हैं लेवेडर स्कैपुलाई मसल, और एक और मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसे अपन बोलते हैं लेटिसमस डॉर्सी मसल। तो टोटल मैंने आपको सारी मसल का चार्ट के फॉर्म में बता दिया, और एक पूरा चार्ट आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से डाउनलोड कर सकते हो, और देखो अपने 3D में पढ़ाना तो आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।